वैसे तो जयपुर के अंदरूनी इलाकों में सर्दियों में सिरी और पाए का मजा लिया जाता है। इसका जो शोरवा होता है पूरे बदन को अच्छे से गर्म कर देता है। लेकिन आज हम बारिश के मौसम में आपके लिए लेकर आए सिरी और पाए की मजेदार सी रेसिपी, तो वीडियो को एंड तक देखें, काफी मजे का वीडियो होगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बकरे की सिरी और पाए। काफी मजे के बनते हैं और बनाना काफी आसान है। तो आज नयूम भाई हमारे लिए बनाएंगे बकरे के सिरी और पाए। तो आइए आपको दिखाते हैं जयपुर स्टाइल में बकरे के सिरी और पाए कैसे बनते हैं, बनाना काफी आसान है और काफी मजे के बनते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको बकरे के सिरी और पाए बनाने का तरीका, काफी मजेदार। आइए, जब आप सिरी और पाया बना रहे हैं तो आपको याद रखना होगा, आप सिरी और पाए को अच्छी तरह से धो लें, इसमें स्मेल ना रहे और जो इसकी गंदे वो अच्छे से साफ हो जाए। इल्ला भाई और शाफिन जला रहे हैं सिगड़ी। अभी बर्तन हमने चढ़ा दिया है सिगड़ी पर और नयूम भाई पूरी तैयारी में है। सबसे पहले हमारे जो सिरी और पाए हैं उनको डालेंगे बर्तन में। ये हैं हमारे इल्ला भाई, आज पूरी पार्टी इनकी तरफ से है, बकरे के सिरी और पाए बनवा रहे हैं हमारे लिए। तेल तू ना पहले। हाँ, तेल दे। हमने लिए लगभग 2.5 किलो की सिरी और उसमें लिया है हमने लगभग 1/2 किलो गोश्त, और जो सिरी का जो भेजा होता है वो हमने अभी रोक लिया, क्योंकि इसे शुरू में डाल देंगे तो सिरी के साथ ज़्यादा गल जाएगा और अंदर से पूरा गल जाएगा और इसका जो अंदर की ग्रेवी होती है पूरी मसाले में मिल जाएगी। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने लिया है रिफाइंड। कुकिंग ऑयल कितना है नयूम भाई? भेजा तो डालो। 800 ग्राम। 800 ग्राम हमने लिया है कुकिंग ऑयल। और प्याज कितना? प्याज लिया हमने 600 ग्राम। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये है मिस्टर शाफिन जो अभी लहसुन का पेस्ट लेकर खड़े हैं। लहसुन इसमें डालेंगे हम लगभग 150 ग्राम। 150 ग्राम डाला, साथ डालेंगे थोड़ा सा पानी। नहीं भाई, पानी कितना डालना है सिरी में? जितना आपकी गोश्त की ऊंचाई है उतना इसमें पानी डालना है। अब ये समझ लें कि आपका गोश्त अच्छे से डूब जाए लगभग लगभग। साथ ही डाला है इसमें तेज पत्ता, 50 ग्राम मोटा गरम मसाला। नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार, हमने लिया है लगभग 30 ग्राम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी आ चुके हैं हमारे उस्ताद सईद भाई। क्या बन रहा है? आज इल्ला भाई की तरफ से पार्टी है और इल्ला भाई बना रहे हैं सिरी और पाए हमारे लिए बनवा रहे हैं और बना रहे हैं नयूम भाई। सिरी को गलाने के लिए जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है वो सारे मसाले हम इसमें मिक्स कर चुके हैं। अब सिरी को ढककर पकाएंगे। जितना आप इसे ढककर पकाएंगे उतना ये मजे की बनती है। लगभग 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा भी आप इसको अच्छे से पका सकते हैं। जितना देर लगेगी उतना मजे की बनेगी। मौसम काफी मजे का हो रखा है और हम सब यहाँ पर बैठकर हमारी सिरी के गलने का इंतजार कर रहे हैं और चाय की चुस्कियों का मजा ले रहे हैं। अभी लगभग 1/2 घंटा हो चुका है, अभी सिरी को पकते हो गया है 1/2 घंटा। अब इसमें डालेंगे हम भेजा, अच्छे से मिक्स करेंगे। आप बार बार बीच में चेक करते रहें कि पानी खुश्क हुआ है नहीं। अगर पानी खुश्क हो गया हो तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। अभी हमारे पास पानी काफ़ी है तो हम इसे वापस ढककर पकाएंगे। अभी हमारा गोश्त लगभग 80% गल चुका है, इसमें अब हम डालेंगे दही। और दही का भुनाव अच्छे से कर लेना है। दही के भुनाव के बाद इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी ली हमने 25 ग्राम, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही और हल्दी के भुनाव के बाद इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च 60 ग्राम। अब हम इसमें डालेंगे अदरक,
अदरक का पेस्ट हमने लिया है 150 ग्राम, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भुनने देंगे। नॉनवेज रेसिपी कोई सी भी हो, गोश्त आप कोई सा भी बना रहे हो, याद रहे कि उसमें सबसे जरूरी होता है भुनाव। जितना अच्छे का आप भुनाव करेंगे उतना मज़े का उसमें जायका आएगा, तो भुनाव को पूरा टाइम दें, रेगुलर चलाते रहें, काफ़ी मज़े का भुनाव होगा तभी आपको मज़ेदार सा मज़ा आएगा। तो ये देखिए हमारी सिरी लगभग लगभग धीरे धीरे तैयार होने लगी है। अभी इसमें डालेंगे हम धनिया, धनिया पाउडर हमने लिया है 25 ग्राम। जो पहले सिरी खा चुके हैं वो अच्छे से जानते होंगे सिरी बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हमारा ग्रुप सिरी बनने का इंतज़ार कर रहा था। हमने इसमें डाल दिया था धनिया पाउडर जो मसाले को सिकुड़ देता है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम देसी घी जो इसमें एक अलग सा फ्लेवर देगा, एक अलग सा मज़ा देगा, और जो देसी घी की खुशबू भुनाव के वक्त डालने पर आती है उसका एक अलग ही मज़ा होता है। ये देखिए हमारी ग्रेवी में अभी जाल बिल्कुल आ चुका है, इसे थोड़ा सा और भुनेंगे। अभी डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी ताकि हमारा जो शोरबा है वो अच्छे से बन सके। अभी इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार पिसा हुआ गरम मसाला। ये नॉनवेज डिश में एक अलग ही तरह का जायका देता है, इसका जो स्वाद होता है वो अपने आप में अलग एक फ्लेवर देता है। अभी हमारा शोरबे वाला सिरी और पाए का सालन बनकर तैयार है, काफ़ी मज़े का ये बना है, काफ़ी मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है, उसका जो स्वाद है वो मैं आपको बता नहीं सकता। एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और इसका जो टेस्ट आप महसूस करेंगे हमें बताएं कि इसका जायका कैसा था। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा और कोई रेसिपी आपको जाननी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जब सर्दियाँ आएँ तो सिरी का मज़ा आप भी लेते रहें। तो ये था आज का वीडियो, खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।